न्यायालय परिसर में चल रहे जुए का बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किया भंडाफोड़। शहर के अपराधियों के संग मिलकुश तथाकथित वकील सजा रहे थे जुए की फसल। कानपुर पुलिस को महीने से हो रहे जुए की नहीं थी कोई भी भनक। जहां एक और मौजूदा सरकार द्वारा पुलिस विभाग को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर पुलिस की कार्यशैली सरकार के सभी मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। बड़े बड़े दावे करने वाली कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों की नाक के नीचे महीनों से जुए की बुक सजती रही है, पर पुलिस को इसकी भनक तक ना हुई। हैरत की बात तो यह है, जिसकी चर्चा पूरे शहर को थी, उसकी खबर 100 मीटर बैठे कानपुर पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं हुई। लगातार जुए की सूचना पर कानपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मिलकर महीनों से चल रहे जुए की फड़ पर छापा मारा, जिसमें लाखों रुपए बरामद हुए। वहीं मौके से कई जुआरी फरार हो गए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि वकील शहर के कुख्यात अपराधी के साथ मिलकर न्याय का मंदिर माने जाने वाले न्यायालय में खुलेआम जुआ खिलवाने का काम कर रहे हैं, जिसका बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संज्ञान लेकर छापेमारी की तो मौके से लाखों रुपए बरामद हुए। हालांकि मौके पर पकड़े गए जुआरी किसी भी मौके से भाग निकले। वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि माननीय न्यायालय में इस तरह की घटना बहुत ही गंभीर विषय है। जहां लोग न्याय की आस लगाकर आते हैं, वहां इस तरह का कृत्य करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े बड़े दावे करने वाले कानपुर पुलिस जहां इस घटना का खुलासा करने में पूरी तरह से नाकाम रही, तो वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जुआ पकड़कर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए। कुख्यात अपराधी मासूम द्वारा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर खुलेआम जुए की फड़ सजवा कर कानपुर पुलिस को खुली चुनौती देता रहा और कानपुर पुलिस खुद की पीठ थपथपाती रही। जानकारों की माने तो मासूम द्वारा चमनगंज, बेगनगंज जैसे शहर के कई अलग अलग कई जगहों पर आज भी जुए की बुक सजवाने का काम कर रहा है। अब देखना यह है कि कानपुर पुलिस द्वारा जिले के कुख्यात अपराधी मासूम द्वारा चलाए जा रहे जुए पर किस तरह से रोक लगाती है। RTI न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।